पूरे प्रदेश की हर विधानसभा में विशेष समाजवादी व्यापारी संदेश अभियान चलेगा और 2022 के लिए व्यापारियों, दुकानदारों, उद्यमियों के बीच समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ये बात अभियान के संयोजक और सपा व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता ने दिव्यापुर के एक गेस्ट हाउस में संगठन की समीक्षा करते वक्त अभिमन्यु गुप्ता ने बताया कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल में व्यापारियों के लिए किए गए कामों को प्रदेश के सभी 403 विधानसभा में व्यापारी, दुकानदार, उद्यमियों के बीच बताने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर से सपा की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ व्यापारी पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा, नुक्कड़ सभा, पद यात्रा, कमरा बैठक, जनसंपर्क सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, गलत व्यापारिक नीतियों का सबसे ज्यादा असर पूरे प्रदेश पर पड़ा। भाजपा द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की मौत पर शोक संवेदना नहीं की और वे अंत्येष्टि में गए, ये गलत बोल रहे हैं। उन्होंने भाजपा को झूठ व भ्रष्ट पार्टी बताया। पार्टी अध्यक्ष उस समय सैफई में थे। उन्होंने ट्वीट के जरिए शोक संवेदना व्यक्त की। इसे पूर्व व्यापार सभा के प्रदेश कोषाध्यक्ष अंशुल गुप्ता ने अपने संबोधन में संगठन के मजबूत होने पर बल दिया। सपा व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष विपिन गुप्ता ने युवाओं के बल पर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में सपा की अधिक सीटें जिताने का काम कर पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसे पूर्व मुख्य अतिथियों ने नवनियुक्त पदाधिकारी का माल्यार्पण कर पत्र वितरित किया। व्यापार सभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष बारेलाल पाल, रविंद्र पोरवाल, उमेश पालीवाल, कल्लू पोरवाल, शुभ गुप्ता, कपिल यादव, नृपेंद्र यादव, लल्लू राजपूत, रितु चक सहित नगर अध्यक्ष व्यापार सभा गोविंद पोरवाल, सौरभ, अंशु ठाकुर, लक्ष्मण गुप्ता, सैकड़ों लोग मौजूद रहे। संचालन वीरेंद्र राजपूत ने किया। व्यापारियों ने ठाना है अखिलेश सरकार बनाना है। इस मंत्र के साथ आज हम लोग औरैया जिले की संगठन समीक्षा बैठक और मंडली सम्मेलन तैयारी की बैठक के लिए हम लोग आए। मेरे साथ हमारे व्यापार सभा के प्रदेश कोषाध्यक्ष अंशुल गुप्ता जी, यहाँ व्यापार सभा के अध्यक्ष विपिन गुप्ता जी, शुभ गुप्ता जी, हम सब लोगों ने आज यहाँ व्यापारियों से संवाद किया। हम लोगों ने संगठन की समीक्षा की। भारी तादाद में यहाँ व्यापारी मौजूद रहे। सभी व्यापारियों ने संकल्प लिया कि भाजपा की जन विरोधी, व्यापारी विरोधी नीतियों से मुक्ति पाने के लिए 2022 में भाजपा को सबक सिखाएंगे। 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनवाकर भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस कार्यकाल में भाजपा ने व्यापारियों को रुलाया है। अब व्यापारियों की वक्त आ गया है, वो भाजपा को रुलाएंगे। व्यापारी निर्णायक है इस चुनाव में। व्यापारी सरकार बनवाएगा, सरकार गिरवाएगा। व्यापारी को भाजपा की सरकार ने बहुत उत्पीड़न कर लिया। अब व्यापारी अपना जवाब देने के लिए संकल्पित है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री की अंत्येष्टि में सपा क्यों शामिल हुई? क्या पूर्व मुख्यमंत्री की अंत्येष्टि में सपा शामिल नहीं हुई थी? क्या समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की मृत्यु पे, उनके देहांत पर अपनी तरफ से पूरी शोक संवेदना व्यक्त की और पार्टी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से उनके लिए हम लोग ने पूरा अपना, हम लोग ने जो भी उनके लिए हम लोग सम्मान दे सकते थे वो किया। आदित्य तात्रा में पार्टी थी। हम लोग सितंबर माह में उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में व्यापारी सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। जाकर हर मंडल में वहां भाजपा की पोल खोलेंगे और किस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न किया, व्यापारियों को धोखा दिया है, अपराध से, नोटबंदी से, जीएसटी से, कोविड की बंदी से, कोविड में सरकार ने व्यापारियों की बात नहीं सुनी, इन मुद्दों पर व्यापारियों से संपर्क करके उनसे संवाद हम लोग स्थापित करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी के लिए वोट मांगेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनवाने की अपील करेंगे।